इंदौर में जन्मी देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला के नाम से जाने जाने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर यानी लता दीदी का रविवार को निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में रविवार सुबह 8:12 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। निधन की खबर सामने आते ही देश भर में प्रार्थनाओं और श्रद्धांजलि का दौर शुरू हो गया था। उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। बीते दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, जिसके बाद उन्हें ICU के वेंटिलेटर में रखा गया था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। दीनानाथ मंगेशकर सेवंती मंगेशकर की बेटी लता की परवरिश महाराष्ट्र में हुई थी। नमस्कार, मैं सोनिया सोनू गुप्ता बॉलीवुड से। आज सुबह सुबह खबर मिली कि लता दीदी हमारे बीच में नहीं रही। बहुत दुखद समाचार मिला, विश्वास नहीं हो रहा है। और मेरे और मेरे परिवार की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार मित्रों, भारत की स्वर कोकिला यानी कि इंडिया नाइट एंगल हम सब की अपनी भारत रत्न श्री लता मंगेशकर मैम, लता दाई ने अपना शरीर त्याग दिया है, उनका स्वर्गलोक गमन हो चुका है। सो आज हमें उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। मैं इंदौर शहर से बिलोंग करता हूँ, इंदौर में ही उनका जन्म हुआ था। और वह सिर्फ इंदौर की ही नहीं, मध्य प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की आन बान और शान थी। जब उनकी आवाज आती थी तो कानों को अत्यंत ही वह अच्छी लगती थी, सुरीली लगती थी। और उन्होंने ऐसे लेजेंडरी गाने जैसे कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसे सुन के हर एक भारतवासी के आंख में आंसू आ जाता है, ऐसे महान गाने उन्होंने गाए हैं। सो आज के दिन हमें उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए कि इतनी अच्छी जो स्वर कोकिला थी, उन्होंने भारत में जन्म लिया और हम सबको इतने साल 92 ईयर्स अपनी सुंदर आवाज से हमारे कानों का आनंद देती थी। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर इमरान खान। आज जैसे ही मालूम पड़ा कि हिंदुस्तान की कोयल इंदौर शहर में जन्मी लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं रही, तो बहुत मेरे साथ साथ उनके चाहने वालों को भी बड़ा दुख हुआ। अल्लाह से दुआ है कि उनके तमाम चाहने वालों को सब्र दे। चूंकि लता मंगेशकर साहिबा इंदौर शहर से थी, तो चूंकि मैं भी इस मिट्टी का हूँ, तो इस मिट्टी से अलग ही एक लगाव और एक अलग ही दुख होता कि हम बड़े शान से कहते थे कि देखो लता मंगेशकर इंदौर की हैं, जिसको आज पूरी दुनिया जानती है। तो जिन्होंने अपने शहर का नाम रोशन करा, अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करा, उनका जाना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी राष्ट्र के लिए क्षति है। हम पूरे इंदौर की ओर से उनको दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक चीज हमारे लिए जरूर राहत की है कि उनकी आवाज कयामत तक के हमारे कानों में गूंजेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एजार मंसूर बॉलीवुड से, फैशन डिजाइनर एक्ट्रेस। आज सुबह एक बड़ा ही दुखद समाचार मुझे मिला। लता जी हमें छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह गई हमें। ये सुनकर मेरा मन बड़ा अशांत हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से लता जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज एक हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। हमारी लता दीदी, लता मंगेशकर जी, देवलोक में गमन कर चुकी है। और यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो हमारे कब करीब थी इतने दूर होने के बाद भी, क्योंकि उनकी जो आवाज़, जो उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता था, हमारे रख रख में बसी हुई है। और मतलब बहुत मुश्किल है उन्हें भूलना। और मैं यही चाहूँगी मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मैं चेताली जैन, डायरेक्टर ऑफ पावर ऑफ फैशन, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ पूरे परिवार की तरफ से, कि उन्हें जहाँ भी अभी अगला जन्म मिले बहुत अच्छी जगह मिले। और कुछ शब्द ही नहीं है उनके। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा,
मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। दोस्तों मैं कुणाल सिंह राजपूत अपने और यूडी न्यूज के माध्यम से लता जी के इस निधन पर दुख व्यक्त करता हूँ। भारत रत्न सुरों की सरस्वती लता जी आज हम सबको छोड़कर बहुत दूर चली गई। लता जी आप हमेशा अपने संगीत के माध्यम से अपने गीतों के माध्यम से हम सब करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में रहेंगी। आपको सादर नमन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।